हाय एवरीबॉडी, दिस इज अमन तिलक फ्रॉम एम्स दिल्ली। दोस्तों, नीट 2021 आप दे चुके हो, उसके बाद नीट की आंसर की भी आ गई और अब रिजल्ट भी आ गया, टॉपर्स का सेलिब्रेशन भी हो गया। और अब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप वीडियो देख रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आप या तो नीट 2022 की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके होंगे या स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे। सो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, कैन यू क्रैक नीट इफ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ? थिंक अबाउट इट, कैन यू क्रैक नीट? अगर आप आज की डेट से स्टार्ट कर रहे हो 2022, आपके पास कितना समय है? मैं मान के चलूंगा कि नीट 2022 आपका मई के फर्स्ट वीक में होगा। क्यों मान के चलूंगा? हो सकता है सितंबर में हो इस साल की तरह, लेकिन मैं मान के इसलिए चलूंगा क्योंकि हमेशा से नीट जो है वो आप पिछले 20 साल का उठा के लेके चलो, 2020 और 2021 को छोड़ दो, तो आप सारे टाइम नीट फर्स्ट वीक ऑफ मई में होता है, जो उसका शेड्यूल्ड डेट AIPMT नीट जो है हमेशा से फर्स्ट वीक ऑफ मई में। सो मेरा सिंपल सा प्लान ये होना चाहिए कि भाई मैं उस के लिए रेडी हूं, ये ना बोलूं कि भाई कि नीट फर्स्ट वीक ऑफ मई में हो रहा है तो मेरी प्रिपरेशन एनफ नहीं है। ठीक है, नाउ The answer to this question कि भाई कि अगर मैं आज की डेट में स्टार्ट करूं तो नीट क्या क्रैक हो सकता है, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इज इट लेट टू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। देखो, अगर मैं केवल एक आपको अच्छी अच्छी बातें करने वाला बात होता तो मैं बोलता नहीं नहीं आज भी करो, मैं आपसे एक महीना पहले भी बोलता आज भी करो, है ना। मैंने एक महीने पहले भी आपसे क्या बोला कि नॉलेज आपकी वेस्ट नहीं जाती, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने बोला कि आप लेट हो। वैसे मैं आज भी बोल रहा हूं कि भाई आपने अगर अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो आप लेट हो। किससे लेट हो? जो बच्चा नीट देने के बाद 12 सितंबर की शाम से ही पढ़ रहा है, या वो बच्चा जो आंसर की आने के बाद से ही पढ़ रहा है, फिर वो बच्चा जो कि नीट का रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन के बाद से अपने मार्क्स देखकर वो 2022 के लिए पढ़ रहा है, उससे आप लेट हो। एंड पहले मैं भी ये सोचता था कि इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट, बट इट इज ऑलवेज लेट। एक रिलेटिव टर्म में चलते हैं, जो बच्चा 11th में प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, जैसे मैंने की थी, मेरे को लगता था मैं लेट इसलिए हूं क्योंकि भाई 9th वाले बच्चे 6th से पढ़ रहे हैं नीट के लिए। जो बच्चा ड्रॉप में लेता है वो सोचता है कि 11th वाला बच्चा कर रहा है। सो सिमिलरली पहले चीज तो एक्सेप्ट कर लो कि भाई आप लेट हो, आप एक्सेप्ट कर लो। ये मत कंपेयर करो, उन बच्चों से मत कंपेयर करो यार जो 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, भाई वो मेहनत किए हैं तो उनको डेफिनेटली डिजर्व कर रहे हैं, ज्यादा सिंपल सी बात है। नाउ आंसर टू सेकंड बिगेस्ट क्वेश्चन कि कैन यू स्टिल क्रैक नीट इफ यू आर लेट राइट नाउ, आंसर इज यस माय डियर फ्रेंड्स। देखो, आपके पास जितना टाइम बचा है अगर आप उसे ढंग से यूटिलाइज करो, अगले आप 6 महीने इतनी मेहनत करो जितनी आपने पूरी जिंदगी नहीं पढ़ी हो, मैं आपको प्रॉमिस बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं तो कुछ नहीं ये जरूर होना चाहिए कि भाई मैं अपना 100% दे रहा हूं। तो नीट छोड़ो दोस्त मेरे, आप कोई भी चीज लाइफ में अचीव कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज सिंपल सी बोलूं, अगर नीट 2022 में क्रैक नहीं हुआ तो आपको ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने मेहनत में कमी नहीं छोड़ी, दैट विल बी द बिगेस्ट थिंग। आज की डेट में आपको ये दुख है ना कि नीट 2021 में आपने सिली मिस्टेक कर दी, या मेहनत कम की, या फिर आपने टाइम मैनेजमेंट गलत किया, या फिर ये रिग्रेट है कि अभी तक पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया, इतने सारे बैचेस इतने सारे लोग स्टार्ट कर चुके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आपके सारे दोस्त लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ये रिग्रेट है ना, या फिर ये रिग्रेट है कि आपके दोस्त जो है वो MBBS कर रहे हो और आप आराम से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो 1-2 साल से। पहले अपने आप से ये सवाल क्लियर कर लो कि जब सवाल क्लियर हो जाए दोस्तों तो सब कुछ एक्सेप्ट करो, दिल पे हाथ रखो, बोलो कि आई ओन माई फॉल्ट, दूसरों पर इल्जाम मत लगाओ, खुद ओन करो सबसे पहले अपनी फॉल्ट और उसके आगे बढ़ो प्रिपरेशन करने के लिए। अब यहां पर जो बच्चे आपकी रिक्वेस्ट पर, जो बच्चे नीट 2022 की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं आप सबके लिए कल से। सही सुना, देखो मैंने क्या बोला, इट इज ऑलवेज लेट टू स्टार्ट, है ना, जब भी आप हो लेट हो चुके हो, सिंपल सी बात है। तो इसलिए मैं आपसे बोलता आज से 10-15 दिन बाद कोई बैच स्टार्ट हो रहा है कोई मतलब नहीं, कल से स्टार्ट हो रहा है, टुमारो यस माय डियर फ्रेंड्स 14th ऑफ नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। एंड
आपको पूरा लाइव क्लासेस के साथ, जिसमें लाइव क्लास के बाद आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी उसका देख सकते हो, इसके साथ साथ नोट्स, अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, डिजिटल नोट्स, रिपीट रिवीजन के लिए आपके मेडिफ्लिक्स का वीडियो बैंक, क्वेश्चन बैंक के अलावा आपको इसमें सारा ए टू जेड जो भी आप एक महंगी से महंगी कोचिंग में आपको मिलता है, बस उस लेवल का कंटेंट मिलेगा। तो आप बोलोगे कि सर ये आप कैसे ला पा रहे हो? सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी चीज समझो, आज की डेट में ना बच्चे मेरे, अगर आपको प्रिपरेशन केवल यूट्यूब से करनी है तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन आपको बैच की क्यों जरूरत होती है? वो इसलिए क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाई करने की जरूरत पड़ती है। एक टेस्ट सीरीज की जरूरत क्यों होती है? जिससे आप उस डेट के अकॉर्डिंग उसे एक्चुअली डेडलाइन बना सको, केवल प्रोकेस्टिनेट करके आगे मत बढ़ते चले जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबके लिए ये पूरा बैच एट अ प्राइस ऑफ लेस देन 10 रुपीज पर डे, जो आपके एक समोसे के, आज समोसा भी 15 रुपए का मिलने लग गया है, उस प्राइस पे लेके आए, केवल आपके सपोर्ट से पॉसिबल हो पाएगा, आपके रिक्वेस्ट से हम लोगों ने किया। इस वीडियो को फैलाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 2999 में वॉरियर्स प्राइम बैच, अंडरस्टैंड, और आपको बैचेस दिख रहे होंगे, वॉरियर दिख रहा होगा, वॉरियर आइकॉन है, वॉरियर प्राइम आई एम सजेस्टिंग यू 2999 की प्राइस पे पूरा। ये एक महीने की प्राइस नहीं है, लोग आपसे एक दो महीने, तीन महीने, एक महीने के लिए 5,000-5,000 रुपए, 10,000-10,000 चार्ज करते हैं, पूरा 3,000 रुपए के अंदर में पूरा साल की 2022 नीट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो, और प्रोकेस्टिनेट करना है तो कोई मतलब नहीं, ये बैच छोड़ो, आप कोई भी महंगा से महंगा 2,00,000 रुपए की कोचिंग भी ज्वाइन कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बार बार फिर से बोल दूं, 5% रूल होता है किसी भी कोचिंग का, चाहे वो नीट उड़ान हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो LN हो, चाहे वो कोई भी कोचिंग हो, उसका 5% रूल रहता है, 95% रूल आपका रहता है। और इसलिए सिंपल सी बात है कि उस बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी कोचिंग में, कोई भी कोचिंग में 5% का से भी कम का सिलेक्शन होता है, 95% का नहीं होता। तो आप अगर दृढ़ निश्चय के साथ स्टार्ट करने को तैयार हो, आपको बैचेस अभी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सब अब 1-1.5 महीना पहले स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करने को रेडी हो लाइव क्लासेस के साथ, और कल से प्रिपरेशन स्टार्ट मतलब आज से आप अपना पहले पूरा शेड्यूल वेड्यूल सब बना के आज ही से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होगे, कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही होगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर नीट 2022। हाँ, आप नीट क्रैक कर सकते हो, लेकिन देरी हो चुकी है, लेकिन इस देरी से घबराना नहीं है, जितना भी समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। दैट इज ऑल आई वॉन्ट टू से, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, सी यू नेक्स्ट ईयर इन मेडिकल कॉलेज, आपका ड्रीम कॉलेज। बाय बाय एवरीवन।